हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले देखते हैं उन स्टॉक्स को जिन स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट हुए हैं। पहला स्टॉक जिसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट होता हुआ नजर आया, उसका नाम है लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड। इस स्टॉक को हमने शेयर किया था गोल्ड मेंबर्स के साथ 26 दिसंबर 2022 को, और इस स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में अपना फर्स्ट टारगेट हिट किया है। इस स्टॉक का आज का दिन का हाई है 83.90 का। चलिए अब देखते हैं दूसरा और लास्ट स्टॉक कौन सा है। दूसरा स्टॉक जिसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट हुआ, उसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। इस स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 26 दिसंबर 2022 की वीडियो में, और इस स्टॉक ने भी आज के ट्रेडिंग सेशन में अपना फर्स्ट टारगेट किया है। इस स्टॉक का आज का दिन का हाई है 184.90 का। ठीक है फ्रेंड, ये तो थे वे दो स्टॉक जिन दोनों स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट होते हुए नजर आए हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम किस स्विंग ट्रेड स्टॉक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको कि आप अपनी वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हैं आगे आने वाले कुछ टाइम के लिए। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर है, इस वीडियो में जिस भी स्टॉक पर डिस्कशन होगा वो सिर्फ लर्निंग एंड प्रैक्टिस पर्पज के लिए होगा। इस स्टॉक में हमारी ओर से बाइंग के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस स्टॉक में बाइंग करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का हमारा स्विंग ट्रेड स्टॉक कौन सा है। आज का हमारा स्विंग ट्रेड स्टॉक उसका नाम है कैनरा बैंक। इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं सस्टेन अबव 316.10। इसके जो टारगेट आ सकते हैं इन फ्यूचर भी होंगे 324, 333.95 एंड 344 के। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं जो कि होगा 7.80 रुपीज नीचे 308.30 के लेवल पर, और स्टॉक होल्ड टाइम रहेगा 1 to 5 वीक। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब देखते हैं कैनरा बैंक को चार्ट पर ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। फ्रेंड्स, कैनरा बैंक का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं चार्ट पर, ये स्टॉक अभी अपनी दोनों मूविंग एवरेजेस 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं इस स्टॉक के आज के दिन के ट्रेडिंग वॉल्यूम की। इस स्टॉक के आज के दिन के जो ट्रेडिंग वॉल्यूम थे वे इसी स्टॉक के पिछले 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा के थे। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब बात करते हैं चार्ट पर ड्रॉ ट्रेंड लाइन की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने चार्ट पर एक ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। ये ट्रेंड लाइन अभी इस स्टॉक के लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है। पिछले 3 महीने से ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और 3 महीने में इस स्टॉक ने ट्रेंड लाइन पर 3 बार सपोर्ट बनाया है। सबसे पहले इसने सपोर्ट बनाया था 28 सितंबर को, सेकंड टाइम इसने सपोर्ट बनाया था 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को सपोर्ट बनाने के बाद हमें इस स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। अब बात करते हैं थर्ड टाइम सपोर्ट की। थर्ड टाइम इसने सपोर्ट बनाया 26 दिसंबर को, और थर्ड टाइम सपोर्ट बनाने के बाद भी हमें इस स्टॉक में अभी एक तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब बात करते हैं इस स्टॉक के बाइंग लेवल की। इस स्टॉक के आज के दिन की क्लोजिंग है उसका लेवल है 316.10। अभी आप इस स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे ही स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन में 316.10 के लेवल को होल्ड करता है और इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की 3 कैंडल बना देता है, तब स्टॉक में बाइंग की जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 324, 333.95 एंड 344। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं जो कि होगा आज के दिन के कैंडल के ओपन के पास में, जिसका कि लेवल है 308.30 का, और ये होगा क्लोजिंग बेसिस पर। ठीक है फ्रेंड, ये तो था कैनरा बैंक का चार्ट एनालिसिस। अब आप इस स्टॉक को अपनी वॉचिस में ऐड कर सकते हैं, और जैसे ही इसमें डिस्कस करे गए लेवल आते हैं तब आप इसमें बाइंग के लिए सोच सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए स्विंग ट्रेड स्टॉक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।